बदायूं में दो बच्चों की हत्या का दूसरा आरोपी जावेद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी रखा था। जावेद की गिरफ्तारी कहां से हुई और इस घटना के बारे में उसने क्या कुछ बताया, ये पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए दूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। बदायूं में जो हुआ उस घटना को हर कोई जानता है, लेकिन दर्शकों को मैं फिर से बता दूं कि बीते मंगलवार आखिरकार बदायूं में हुआ क्या था जिसने बदायूं में हालात तनावपूर्ण कर दिए थे। बदायूं के सिविल लाइन्स थाना इलाके की एक कॉलोनी में दो बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये इतने क्रूर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया कि जिसने भी तस्वीरें देखी वो विचलित हो उठा। आपको बता दें कि उन बच्चों के परिवार के ठीक सामने ही ये दो आरोपी सैलून चलाते थे। ये बच्चे उनके पास अपनी बाल कटवाने भी जाया करते थे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। ये दोनों आरोपी बच्चे के घर पहुंचे, बच्चे के परिवार से मदद मांगी, 5,000 रुपए की मदद मांगी गई, मदद उन्हें दे भी दी गई, लेकिन इसके बाद इन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, चाकू से वार किया गया, ताबड़तोड़ हमला उनके ऊपर किया गया और उसके बाद ये आरोपी वहां से भागने की फिराक में थे, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि दूसरा आरोपी जो जावेद वो फरार होने में कामयाब रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और इसलिए 25,000 का इनाम भी उसके ऊपर रखा गया था। अब जावेद की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जावेद को बीती रात ही बरेली से गिरफ्तार किया गया। पहले स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा और उसके बाद उसका एक वीडियो बनाया, जो वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं तुरंत वहां से आया बदायूं के लिए, वहां पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूं अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहां से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया। इस वीडियो में जावेद बार बार अपना आधार कार्ड दिखाकर ये पुष्टि करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो ही जावेद है, लेकिन इस घटना के बारे में वो ये कह रहा है कि जो कुछ भी बदायूं में उस दिन हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, ये सब कुछ उसके बड़े भाई साजिद ने किया। वो खुद को बेकसूर बता रहा है और ये कह रहा है कि मेरे पास तमाम लोगों की फोन रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरे भाई ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हूं। मैं इस घटना के बाद भागकर दिल्ली जरूर पहुंच गया था, अभी बरेली में मौजूद हूं और मैं पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता हूं। लोगों से अपील भी यही कर रहा है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। अब पुलिस की गिरफ्त में जावेद आ चुका है और एकमात्र वो कड़ी है जावेद जो तमाम सवालों के जवाब दे सकता है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। बच्चों के शरीर पर 23 से ज्यादा बार चाकू से वार किए गए थे और साजिद का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुका है। साजिद को एनकाउंटर में 3 गोलियां लगी थी, इस बात ये बात भी सामने आई है। लेकिन जावेद उन तमाम सवालों के जवाब दे सकता है जो सवाल उन बच्चों का परिवार पूछ रहा है, सवाल जो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि इस घटना का आखिर मकसद क्या था यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये आपसी रंजिश का मामला है, जबकि कुछ लोग इसमें तंत्र मंत्र वाली बातें भी कह रहे हैं कि जो आरोपी था उसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र का साया था और इसी की वजह से उसने बच्चों की क्रूर हत्या को अंजाम दिया। लेकिन आखिर असली वजह क्या थी ये सिर्फ अगर इस वक्त कोई बता सकता है तो वो जावेद है, और इसीलिए जावेद एक अहम कड़ी इस केस में जरूर साबित होगा। जो परिवार वाले हैं बच्चों के वो भी यही गुहार लगा रहे हैं कि जावेद से पूछताछ की जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी तरीके की कोई मदद नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, हमसे क्या दुश्मनी थी, हमारे बच्चों का क्या कसूर था कि उन्हें इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और इस सवाल का जवाब भी पुलिस तलाशने की कोशिश जरूर कर रही होगी। आपको क्या लगता है कि आखिर साजिद और जावेद ने उन दोनों बच्चों की क्रूर हत्या क्यों की होगी, क्या वजह आपको लगती है, आप कमेंट करके जरूर